नमस्कार दोस्तों, जेई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मौसम विभाग खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटों में इन राज्यों में भारी बारिश के साथ साथ में आंधी भी आएगी। धुआंधार बारिश होने वाले मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां फ्रेंड्स, लिस्ट भी जारी कर दी गई, तबाही मचने वाली है। जी हां फ्रेंड्स, फसलों को भी नुकसान होने वाला इन राज्यों में, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देश के अधिकांश हिस्सों में लगातार जारी वर्षा का चरण अब आम लोगों के लिए मुसीबत बनता हुआ दिख दे रहा है। इसी के साथ कई राज्यों मानसूनी आफत पर फिलहाल विराम लगता हुआ नजर आ रहा, लेकिन थोड़े थोड़े अंतराल में भीषण वर्षा का दौर भी अभी जारी है। जहां फ्रेंड्स, दिल्ली समेत देश के 15 से अधिक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विभाग IMD के अनुरूप पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 24 सितंबर तक, बिहार में 23 से लेकर के लगातार 3 से 4 दिन तक बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। वही राजधानी दिल्ली के लिए मौसम कार्यालय में 24 सितंबर से हल्की फुल्की बारिश की प्रबल आशंका जताते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया। इसी के साथ दिल्ली NCR में पुणे वेदर है जो साफ हो जाएगा, और इसी के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम असम और उत्तर पूर्व बिहार में तेज से मूसलाधार बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। केरल में येलो अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ मौसम कार्यालय ने तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानामथिट्टा, अलापुथु, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम में आक्रामक भीषण वर्षा की आशंका जताई गई है। जहाँ फ्रेंड्स, इन राज्यों में अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, जो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम, मेघालय, भिन्न भिन्न जगहों पर भयंकर तूफानी बारिश होने वाली है। साथ ही साथ पूरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, क्षेत्रीय तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग जगहों पर मानसूनी आफत आ सकती है। जहाँ फ्रेंड्स, मानसून का विदाई कब तक होने वाला है, तो फ्रेंड्स ये अपडेट है जो आपकी 25 सितंबर के करीब उत्तर पश्चिम भारत से पुणे लौटने की आशंका जताई गई है। जहाँ फ्रेंड्स, ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।